क्या कारण है कि आज भी बहुजन समाज मानेवर कांशीराम जी को इतना मानता है? जय भीम नवोबुद्धाय। आज मानवर साहब जो बहुजन महानायक हैं इस देश के, मानवर कांशीराम जी का 13वां परिनिर्वाण दिवस है। हम उनको पूरे देशवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो और समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उन सभी की तरफ से मानवर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि करते हैं। उस महानायक के लिए हम लोग लगातार जो प्रयत्नरत हैं, उन्होंने जो कारवा चलाया उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मानवर साहब का जो जो पूरा कारवा था वो बहुत महान है। अगर देखा जाए तो मानवर कांशीराम जी के ऊपर भी, जैसे बाबा साहब के ऊपर PhD की जा रही है, तरह तरह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, वही जो रोल है वो मानवर साहब ने अदा किया। आगे आगे बाबा साहब को अगर सही से किसी ने स्थापित किया है इस देश में, बाबा साहब के संविधान को किसी ने स्थापित सही से किया है, तो वो है मानवर कांशीराम जी। और उन्होंने उस सिद्धांत को, उस संविधान के तहत इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए जो व्यवस्था खड़ी की है, जो DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी जैसी एक महान तीसरी शक्ति दी है राजनीतिक रूप से हम लोगों को, हमें लगता है मानवर कांशीराम जी का जो कारवा है हमें और आगे बढ़ाना होगा। बहन जी उस कारवा को इस तरह शिद्दत से लेके यहाँ तक आई हैं, अब हमारे हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस कारवा को आगे ले जाए। मानवर साहब अपने थोड़ा उनका पंजाबी टंग होता था और उसमें कहते थे कि हमारा समाज हुक्मरान बनने से डरता है, हमारा समाज हुक्मरान बनने से घबराता है, और हमारे समाज पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, हमारा समाज ही दूसरे लोगों को वोट डाल कर उनको राजा बनाता है, और जिनके राजा होते हैं उनके पे अत्याचार नहीं होता है, जबकि दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के महिलाओं पर और उनके लोगों पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं। ये घटनाएँ शासक वर्ग पर नहीं होती हैं, शोषित वर्ग पर होती हैं। तो लगातार मानवर कांशीराम जी इस तरह के स्लोगन देते रहे, और वो कहते रहे कि जो 1585 का नारा उन्होंने दिया था कि जो सामंती लोग हैं वो 15% लोग हैं, जो 85 वर्ग है वो भारत में, जो पूरे देश में आज भी कामगार के लोग हैं, वो लोग वोट की ताकत को नहीं समझ पाए। इन लोगों को अपने हाथी स्वरूप को देखना होगा, उस देश में वोट की ताकत से बहुजन सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है मानवर साहब का जो जीवन है वो संघर्षों भरा रहा है, त्याग भरा रहा है, इससे हमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा थीसिस लिखने की ज़रूरत है, उन पर शोध करने की ज़रूरत है, साहित्य लिखने की ज़रूरत है, और ये गांव-गांव तक पहुंचाएं कि मानवर साहब कांशीराम जी किस तरह भाईचारे की बात करते थे, किस तरह जोड़ने की बात करते थे। बाबा साहब अंबेडकर जो 1956 में हम लोग यहाँ से छोड़ चले गए, उसके बाद उस कारवा को जो अंधेरे में चला गया था, बाबा साहब के बाद कांशीराम जी ने इस कारवे को आगे बढ़ाया। बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होते हुए इस पूरे भारत में स्थापित कर दिया कि किस तरह संविधान का राज हो सकता है। तो ये मानव साहब के जो पूरे कारवा को हम देखते हैं, तो हमें लगता है हम बहुजन युवाओं को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और ये बहुत बड़ा दिन है आज का। आज जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो कांशीराम जी को जानते हैं, जिन्होंने साथ चले हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि इस कारवे के साथ जुड़ जाइए। ये कारवा आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ये कारवा आपको इस देश का शासक वर्ग कहलाएगा, और आप जब तक हुक्मरान नहीं बनेंगे तो हमें लगता है इस देश में तब तक हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण होता रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी अपनी पार्टी है, इस देश के गरीब कमज़ोर की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो लोग सताए हुए हैं, तो हमें लगता है हम लोग सताए लोग एक साथ आकर इस देश में अपना सत्ता स्थापित करें और मानवर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और जो तमाम अभी चुनाव हो रहे हैं, अगर बहुजन समाज जाग जाए तो यहाँ पर सत्ता स्थापित हो जाएगी और हम किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस कारवा को, बाबा साहब के इस आंदोलन को और आगे दें और आगे बढ़ाएँ, जिससे ये जो पूरा कारवा है आगे चलता रहे। जय भीम नवोबुद्धाय आपके चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।